जी, देखो लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग दैट systematic error it is the constant error cannot be reduced and it is always on either side of the actual value. Either side of the actual value का मतलब क्या बेटा? Either side of the actual value का मतलब अगर कोई आपको ammeter 0.4 ampere ज़्यादा करंट दे रहा है, तो तुम एक बार एक्सपेरिमेंट करोगे, 10 बार एक्सपेरिमेंट करोगे, 100 बार एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर वो 0.5 एम्पियर आपको ज्यादा करंट दे रहा है तो वो 2 टाइम्स 10 टाइम्स या 20 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करने से कोई फर्क नहीं होगा, वो आपको करंट ज्यादा ही देगा. ऐसा तो नहीं होगा कि कभी ज्यादा कभी कम, कभी 0.5 एम्पियर ज्यादा दे कभी कोई 0.5 एम्पियर कम दे. वो तो रैंडम एरर होता है, वो तो आपका ह्यूमन एरर होता है कि जब तुम प्रैक्टिकल परफॉर्म करो तो कभी रीडिंग ज्यादा ले लो कभी रीडिंग कम ले लो, वो ह्यूमन एरर हो सकता है, रैंडम एरर नहीं होगा. रैंडम एरर तो मुस्तकिल एक ही तरफ होगा. अगर ज्यादा होगा मशीन, अगर ज्यादा एरर दे रही होगी, ज्यादा वैल्यू बता रही होगी, तो हर बार फिर ज्यादा वैल्यू ही बताएगी. अगर मशीन एक्चुअल से कम वैल्यू बता रही है तो कोई एरर आ गया है, वो वैल्यू रीडिंग कम नोट कर रही है, तो वो हमेशा फिर कम वैल्यू ही आपको देगी. जब हम बात करते हैं रैंडम एरर की, इट इज ऑन बोथ साइड्स of the actual value and it can be reduced. वो तो मैं लास्ट क्लास में बता दिया कि रिड्यूस कैसे हो सकता है, कि मोड नंबर ऑफ रीडिंग्स ले लें, जितनी ज्यादा रीडिंग्स ले लेंगे उतना ज्यादा टाइम्स उसको डिवाइड कर देंगे तो उससे एवरेज वैल्यू आ जाएगी. तो एवरेज वैल्यू तुम्हें जो है बेसिकली वो रैंडम एरर में एवरेज वैल्यू से एरर डिक्रीज हो सकता है. एक्यूरेसी, एवरेज बेस्ड है. एक्यूरेसी बताता है कि एवरेज ऑफ वैल्यूज, एवरेज ऑफ डेटा वैल्यूज डिपेंडेंट है. एक्यूरेसी एवरेज ऑफ डेटा वैल्यूज डिपेंडेंट. प्रिसिशन, रेंज ऑफ डेटा वैल्यूज डिपेंडेंट है. लेट्स से अब मैं तुम्हें यहां पर एग्जाम्पल्स करवाता हूं, कुछ इन एग्जाम्पल्स से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मेनली इनमें डिफरेंस किस तरह से हम नोट करते हैं. लेट्स से
मैंने तुम्हें ये कुछ ग्राफ दिए अलग अलग, यहां पर ये वाई एक्सिस की वैल्यू है बेटा, यहां पर एक्स एक्सिस, नाउ एक मिनट क्या कह रहे हो? अच्छा अभी कर देता हूं, ये स्लाइड में सब दोबारा दिखा दूंगा तुम्हें सारी। अब सुने, लेट्स सी, तुम्हें हमेशा एग्जामिनर ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू दे देगा। सपोज करो तो उसने तुम्हें ये बता दिया कि ये ट्रू वैल्यू है, इसको ट्रू वैल्यू भी कहते हैं या एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, बात एक ही है। ये एक्चुअल डेटा वैल्यू है फॉर एग्जांपल, इसको ट्रू वैल्यू कह लो या एक्चुअल कह लो। अब एक्सपेरिमेंट जब मैंने परफॉर्म किया तो मेरे पास रीडिंग आई। अब मुझे बताना, मैं तुमसे पूछूंगा गुड एक्यूरेसी बैड एक्यूरेसी, गुड प्रेसिशन या बैड प्रेसिशन, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। सिर्फ अगर लास्ट क्लास वाली चीज याद है तो तुम इजीली मुझे बता दोगे। देखो लेट्स से स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके पास ये 5 रीडिंग्स आई। किसी और स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके पास ये रीडिंग्स आई। फिर एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके पास ये रीडिंग्स आई। एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके पास ये रीडिंग्स आई। अब मुझे बताएं इनमें जो नंबर वन है, व्हाट अबाउट प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, 1, 2, 3, 4 के बारे में तुम्हें बताना है। याद कर लो, एक्यूरेसी एक्यूरेसी एवरेज डिपेंडेंट है, प्रिसिशन रेंज डिपेंडेंट है। अगर वैल्यूज का एवरेज एक्चुअल के करीब हो तो गुड एक्यूरेसी है। और एवरेज का मतलब क्या होता है, या बेस्ट फिट लाइन कैसे कहते हैं हम, कि देखो अगर डेटा वैल्यूज ऐसे हैं, डेटा वैल्यूज ऐसे हैं, तो आप कहेंगे कि इसकी मीन वैल्यू या एवरेज डेटा वैल्यू बिल्कुल इसके बीच में से होगी, थोड़ा सा और इससे ऊपर, बल्कि बीच में से होगी का मतलब ये है कि तकरीबन जितनी वैल्यू ऊपर उतनी ही वैल्यू नीचे। इसको कहते हैं हम एवरेज, इसको कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। अगर नोट करो फर्स्ट वाले में, नंबर वन में, तो इसकी बेस्ट फिट लाइन अप्रोक्सीमेटली सेंटर में ही होगी, तकरीबन करीब करीब ही होगी। तो आप कहेंगे नंबर वन में शाबाश के गुड एक्यूरेसी है। व्हाट अबाउट प्रेसिशन?
गुड एक्यूरेसी है, मगर क्योंकि डेटा वैल्यूज आपस में एक दूसरे से दूर है तो रेंज ऑफ डेटा वैल्यूज ज्यादा है। तो आप कहेंगे क्योंकि रेंज ज्यादा है बेटा तो शाबाश, वेरी गुड। आप कहेंगे इसको कि बैड प्रेसिशन है। सेकंड वाले में देखो, सेकंड में अगर मैं इसकी मीन एवरेज वैल्यू निकालूं तो मैं कहूंगा अप्रोक्सीमेटली बीच में कहीं ऐसे होगी, लेट्स सी। अब ये वैल्यूज कुछ लाइन के ऊपर हैं, कुछ लाइन के नीचे हैं, करीब करीब हैं, आपस में करीब करीब हैं। शाबाश, वेरी गुड, बस समझ में आ रहा है तुम्हें इसका मतलब। तो आप कहेंगे ये आपस में क्लोज हैं मगर एवरेज से दूर हैं। एवरेज से दूर होने की वजह से बैड एक्यूरेसी, वेरी गुड। मगर रेंज आपस में शॉर्ट होने की वजह से गुड प्रिसिशन। नाउ नंबर थ्री पे आ जाएं। आज का इंपॉर्टेंट है लेक्चर बहुत ज्यादा भाई, क्योंकि आज मैं आपको इसमें ही सीआरओ ऑसिलोस्कोप वगैरह के कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा, कैसे ओ लेवल वाले सीआरओ एएस में कैसे यूज हो। अब मुझे ये बताओ नंबर थ्री, स्प्रेड ऑफ वैल्यूज भी ज्यादा है डेटा का, स्प्रेड का मतलब होता है वेरिएशन। देखो इसका मैं एवरेज करूं तो मैं कहूंगा तुमसे कि तकरीबन देखो एवरेज जो है वो ऐसे होगा कहीं अप्रोक्सीमेटली। बेटा बेस्ट फिट लाइन जो है ना वो पॉइंट्स के बीच में बनती है, जहां पर भी पॉइंट्स होते हैं, जहां पर भी पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये पॉइंट एक ट्रेंड बताते हैं, अगर ये पॉइंट्स हैं तो ये इसके बीच में बनेंगे तकरीबन। कि अप्रोक्सीमेटली जरूरी नहीं, अप्रोक्सीमेटली जितने पॉइंट ऊपर हों उतने ही पॉइंट लाइन के नीचे हों। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये तुम्हें लाइन एवरेज वैल्यूज बताएगी सब। ये यहाँ पर भी ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये तुम्हें लाइन एवरेज वैल्यू बता रही है। यहाँ पर भी ये लाइन एवरेज वैल्यू बता रही है, ये इसको कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन का मतलब एवरेज, जो भी पॉइंट्स होते हैं ओवरऑल पॉइंट्स के तकरीबन बीच में कहीं अंदाजे से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब थर्ड वाले में देखो तो एक बात नोट करना बेटा, ये मुझसे एक उसने पूछा है बेटा अफीफा, एक बात नोट करो, नंबर थ्री में पॉइंट्स को नोट करना कि ये डॉट्स रीडिंग्स हैं, ये रीडिंग्स ये ऊपर हैं और ये रीडिंग्स फॉर एग्जांपल नीचे हैं, तो ये लाइन जो है वो तकरीबन इनके बीच में से जा रही है, तो ये तो एवरेज वैल्यू हो गई। मगर इस एवरेज वैल्यू की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से दूर है तो आप कहेंगे इसको बैड एक्यूरेसी। सबसे पहले एक्यूरेसी को समझ लो। इससे ऊपर वाले नंबर टू में देखो, अब नंबर टू में भी जो डॉट्स थे आपके उन डॉट्स का तकरीबन एवरेज जो है उसके बीच में ये मैंने रेड लाइन बनाई। अब रेड लाइन येलो वाली लाइन से दूर है, एवरेज अगर दूर है तो बैड एक्यूरेसी। वन में देखो तो एवरेज जो है रेड वाली लाइन जो है वो ब्लू ये येलो वाली लाइन एवरेज एक्चुअल के करीब है, गुड एक्यूरेसी। प्रेसिशन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ वैल्यूज, अगर वैल्यूज कम स्प्रेड में हो तो इसको हम कहते हैं गुड प्रेसिशन, मगर अगर ये ज्यादा स्प्रेड में हो तो इसको हम कहते हैं बैड प्रेसिशन। नंबर थ्री में देखें तो बैड एक्यूरेसी था और स्प्रेड, ये डॉट्स जो है ये आपस में भी एक दूसरे से बहुत दूर है, स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड होने की वजह से आप इसे कहेंगे बैड प्रेसिशन। फोर्थ वाले में गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रेसिशन, वेरी गुड।
क्योंकि एवरेज भी क्लोज है। हाँ शाबाश, अब ठीक है, एवरेज भी क्लोज है बेटा, और एवरेज क्लोज होने के साथ साथ जो रेंज ऑफ वैल्यूज हैं वो भी आपस में क्लोज हैं। क्लियर है सबको ये पॉइंट? तो मैं अब अगला पॉइंट बताऊं तुम्हें, मुझे जवाब देते जाइएगा भाई प्लीज। अब सुनो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ट्रेंड ये है तुम्हारे पास कि उसने आपको शो किया फिर एक और दूसरा फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में लेट्स सी ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्स एक्सिस पर वो शो कर रहा है डेटा वैल्यूज, एक्स एक्सिस बता रहा है कि ये मेरी डेटा वैल्यूज कहां से कहां तक हैं, और वाई एक्सिस शो कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखना जरा और से सुनना, लेट्स से फर्स्ट में मेरे पास ये ट्रेंड है, सेकंड में मेरे पास ये ट्रेंड लाइन, ट्रेंड ग्राफ, थर्ड में कंपैरेटिवली ये है, थोड़ा समझाने के लिए मैं सपोज करो कि ये ट्रू वैल्यू है। अच्छा फोर्थ में अब मुझे बताएं जरा, ये जो एक्स एक्सिस पर स्प्रेड है ये आपको बताता है रेंज, इन चारों ग्राफ में डेटा वैल्यूज बता रही है तुम्हें रेंज एक्स एक्सिस पे कि कहां से कहां तक है, और जो डेटा वैल्यूज का पीक है वो पीक का मतलब होता है एवरेज, इस पीक का मतलब है एवरेज, यहां से डेटा वैल्यूज चल रही है, यहां से डेटा वैल्यूज चल रही है, इसका पीक जो है वो एवरेज है, यहां पर भी इसका पीक जो है वो एवरेज है। अब बताओ नंबर वन में क्या कहेंगे, प्लीज जवाब देंगे सब यार, नंबर वन में रेंज कम है भाई, नंबर वन में बेटा रेंज कम है, मायदा नंबर वन की बात कर रहा हूं,
रेंज छोटी है, वैल्यूज करीब करीब है मगर एवरेज दूर है। हाँ शाबाश, इसका मतलब फर्स्ट वाले में अगर नोट करो तो मैं कहूंगा वेरी गुड, फर्स्ट वाला एवरेज दूर है, इसका मतलब बैड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बार बार बता रहा हूं, एक्यूरेसी का मतलब एवरेज, एक्चुअल से दूर है, बैड एक्यूरेसी। मगर एक्स एक्सिस पर देखो डेटा वैल्यू शॉर्ट है, तो इसका मतलब है गुड प्रिसीजन। प्रिसीजन मींस रेंज, छोटी रेंज है, गुड प्रिसीजन, वेरी गुड, वेरी गुड अफीफा। बीट नंबर टू पे आ जाओ, नंबर टू बताओ जरा आप। हाँ, गुड एवरेज का मतलब गुड एक्यूरेसी, और रेंज ज्यादा है का मतलब बैड प्रिसीजन, वेरी गुड। गुड एक्यूरेसी, बैड प्रिसीजन। नंबर थ्री में बता दो, दोनों ही बुरे हैं, नंबर थ्री में दोनों ही दूर हैं, एवरेज भी दूर है और एक्चुअल भी, सॉरी रेंज भी दूर है। बैड एक्यूरेसी, बैड प्रिसीजन, लास्ट वाले में गुड एक्यूरेसी। शाबाश एंड गुड प्रिसीजन, वेरी गुड। समझ में आ गया सबको? ये बताओ जरा, अब कोई क्वेश्चन इस दोनों ग्राफ्स में है तो पूछ लें। ये दो टाइप के मैंने ग्राफ तुम्हें दिखा दिए, क्लियर है ये बात सब? यहां तक क्लियर है सबको? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो अब ये सब क्लियर है ना, अब एग्जामिनर कैसा ट्विस्ट करेगा। अब सुने, नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें मैथ्स के कुछ पॉइंट्स बता दूं बेटा, कि मैथ्स में अगर आपके पास यहां पर ये y एक्सिस और x एक्सिस है और तुम्हारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, अच्छा सबर करो सबर करो, भी दिखा देता हूं, पहले ये चीज समझाने दो मुझे, या ये स्ट्रेट लाइन है या ये स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों में डिफरेंस ये है इस स्ट्रेट लाइन को आप कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू a है तो तुम कहोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए। यहां पर ओरिजिन से ग्राफ पास हो रहा है, स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है, एक मिनट टाइप नहीं करो यार, दो मिनट ठहर जाओ, y इज इक्वल टू एम एक्स है, अगर ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है तो y इज इक्वल टू एम एक्स है। यहां पर वैल्यू अगर माइनस भी है तो अब मैं तुमसे कहूं ये तीसरी वाली इक्वेशन तो तुम कहोगे ये है वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस बी। पहले तो ये ट्रेंड समझें, बिल्कुल इसी तरह से अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे है या स्ट्रेट लाइन ऐसे है या स्ट्रेट लाइन ऐसे है, इन दीज सिनेरियोस इनमें बेटा
यहाँ पर वैल्यू फॉर एग्जांपल ए है, यहाँ पर वैल्यू फॉर एग्जांपल माइनस बी है, और यहाँ पर ओरिजन है। मैथ्स में इस इक्वेशन को हम कहेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस कर्व, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। ऊपर वाली इक्वेशन को तुम कहोगे y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस ए। इसका मतलब ये है कि अगर इफ x इज इक्वल टू जीरो हो तो y इज इक्वल टू ए बन जाएगा। अगर x जीरो कर दूं मैं इस इक्वेशन में तो देखो y की वैल्यू एग्जैक्टली a के बराबर आ जाएगी। थर्ड वाली इक्वेशन में y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस बी। क्लियर है यहां तक बात? इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है? अब सुने, अगर ग्राफ का ट्रेंड इस तरह से हो तो फिर वो y एक्सिस में भी इसी तरह से होगा। और अगर x एक्सिस और y एक्सिस में इस तरह से ट्रेंड होता है तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू वन अपॉन x या k अपॉन x की बात एक ही है, y इज इक्वल टू k अपॉन x। इसका मतलब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ ऐसे कर्व में बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स समझते हैं, बाय मिस्टेक। गलत है, ये माइनस एम एक्स नहीं है बेटा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स तो स्ट्रेट लाइन है जो मैंने ऊपर तुम्हें दिखाई है। ये जो कर्व है ये शो करता है y इज प्रोपोर्शन टू वन ओवर x। नाउ ये क्यों बताया है, अब मैं इसको समझाता हूँ। ये पहली स्लाइड है, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लें। दिस वन इज सेकंड। This is third. देखो इस ग्राफ में मैंने तुम्हें ये बताया, सुनना जरा, इस ग्राफ में मैंने तुम्हें ये बताया कि जब x की वैल्यू जीरो होगी, जब x को जीरो रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा और y की वैल्यू एग्जैक्टली a के बराबर होनी चाहिए। सही है? अब सुने, लेट्स से we have a situation in which aa gaya bhai dynamic यहीं पर ये क्वेश्चन देखो, उसने तुमसे क्वेश्चन भी बड़ा जरा ट्रिकी पूछा है और मेजॉरिटी स्टूडेंट इसमें गलत कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स रीड कीजिएगा जरा, रीड क्वेश्चन नंबर सिक्स। y इज इक्वल टू p माइनस क्यू एक्स,
where P and Q are constant. Value X and Y are measured experimentally. Result contains systematic error. Which graph best represent these results? अब देखो सबसे पहले तो इक्वेशन को ट्रेंड को समझो बेटा, मैंने कहा ट्रेंड को समझो, ये इक्वेशन तुम्हें दी है, ये इक्वेशन वही है जो मैंने अभी तुमसे थोड़ी देर पहले बात की, a माइनस एम एक्स, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर से होना चाहिए, इसका मतलब ए और बी हो सकता है, सी और डी तो वैसे ही नहीं हो सकता। अगर वो कहता वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू एक्स की पावर माइनस वन, फिर मैं समझ सकता था कि वाई इज इक्वल्स टू के अपॉन एक्स कह दे या एक्स की पावर माइनस वन कह दे तो बात समझ में आती है, मगर यहां वो कह रहे हैं y is equals to p minus qx, तो इसका मतलब ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये बात समझ में आई या नहीं, पहले एक एक करके समझें, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इज दैट क्लियर? अगली बात सुने अब, देखो अगर क्वेश्चन में कोई एरर नहीं होता, सिस्टमैटिक एरर नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन होती तो होना क्या चाहिए था कि आप कहते हैं कि इफ x इज इक्वल टू जीरो, x को जीरो करना, तो y इज इक्वल टू p, अगर x इज इक्वल टू जीरो तो y इज इक्वल टू p, सुन तो लो मेरी बात, अब जवाब देते जाओगे तो कैसे चलेगा बेटा, अगर मैं कहूं x is equals to 0, y is equals to p, तो तुम कहोगे x is equals to 0, y is equals to p का मतलब कि जब x is equals to 0 हो, यानी ओरिजिन पर x की वैल्यू 0 है, तो y is equals to p है, अगर x is equals to 0 पर y p है तो इसका मतलब है नो सिस्टमैटिक एरर, फिर तो कोई एरर ही नहीं है, इसका तो मतलब सब कुछ ठीक है, कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू लेस देन p है, यहां पर नोट करो तो ये शो कर रहा है कि y इज लेस देन p, इसका मतलब नेगेटिव सिस्टमैटिक एरर, नेगेटिव जीरो एरर है, ये नेगेटिव जीरो एरर है, वैल्यू कम शो कर रहा है, वो जितनी होनी चाहिए उससे वैल्यू कम शो हो रही है, दैट इज नेगेटिव जीरो एरर। अगर तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू जीरो पर वाई की वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से होनी चाहिए पी, मगर इस इक्वेशन के हिसाब से पी नहीं हो रही, इस इक्वेशन के हिसाब से या तो ग्राफ नीचे से जा रहा हो या ग्राफ ऊपर से जा रहा हो, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन, अगर वो ऊपर से भी जाता ना तो भी मैं कहता कि यहाँ पर y greater than p है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव जीरो एरर, और चाहे नेगेटिव जीरो एरर हो या पॉजिटिव जीरो एरर हो, ये सिस्टमैटिक एरर है। एरर इज कॉन्स्टेंट इज द आंसर, एरर होगा तो एक्चुअल वैल्यू जो इक्वेशन में रखकर वैल्यूज आएंगी उसके बराबर थोड़ी होगी, सिस्टमैटिक एरर का तो मतलब आपको कंटिन्यू वो कोई आंसर जो देगा या तो वो आंसर कॉन्स्टेंटली ज्यादा आ रहा होगा या वो आंसर कॉन्स्टेंटली कम आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आइदर यू विल हैव कॉन्स्टेंट हायर वैल्यू और यू हैव कॉन्स्टेंट लोअर वैल्यू, बट यू विल नॉट हैव अ कॉन्स्टेंट, मीन्स जब x इक्वल टू जीरो है तो y की वैल्यू
वो नहीं आनी चाहिए जो इक्वेशन में आ रही है। प्लीज मुझे बताएं ये बात क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पहले तो इक्वेशन का ट्रेंड देखना होगा बेटा। देखो एएस में आप हैं तो एएस में आपको सिर्फ एक चीज सोचकर आंसर नहीं देंगे, एक चीज को देखकर आप पहले कॉन्सेप्ट बनाएंगे और उसकी बेस पर जो है वो आप दूसरे सिचुएशन का आंसर बताओगे। इस तरह से चलेंगी चीजें। सिमिलरली सुने जरा गौर से मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये कॉन्सेप्ट्स हैं तुम्हारे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर्स। अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मगर थोड़ा सा एक कॉमन सेंस के क्वेश्चन होंगे, किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगे, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। आ जाए जरा स्टार्ट से। ये वर्कशीट आपको मिल जाएगी नेक्स्ट इस कॉलेज जब ओपन होंगे मंडे से, इंशाल्लाह रेगुलर क्लास स्टार्ट होंगी। अच्छा आप लोग सब सुने एक बात, अभी तक की क्लासेस में मैंने तुम्हें यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, एस्टिमेटेड वैल्यूज, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ये सब चीजें करवाई हैं। एक्चुअली ये सब P1 के टॉपिक से रिलेटेड है और चैप्टर 1 की चीजें हैं। आज हम इसके कुछ टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं और फिर मैं भी तुम्हें CRO करवाऊंगा जो ए लेवल में CRO यूज होता है। ए लेवल में आपके पास वो नहीं आएंगी एक्स प्लेट, वाई प्लेट वगैरह नहीं आती, सिर्फ रीडिंग लेनी आनी चाहिए, वो मैं भी तुम्हें रिवाइज करवा दूं। मंडे से जब कैंपस स्टार्ट होगा तो बेटा तो चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट भी चैप्टर 1 ही चलेगा। आंसर्स में बता दूंगा बेटा, मैंने मुझे भेजे थे किसी ने, मुझे फाइल देखनी पड़ेगी वो कहां पर है। मंडे से जो आपका टॉपिक है वो अलग टॉपिक है, दैट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी डिटेल टॉपिक है, थ्योरी का डिटेल टॉपिक है और अनसर्टेनिटी में सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्टूडेंट भी चल जाएगा जिसने आज तक क्लास नहीं ली। अगर कोई स्टूडेंट मंडे को पहले दिन मेरी क्लास में बैठता है और कहता है कि सर आज मेरी पहली क्लास है, तो उसको वो भी समझ में आ जाएगा आराम से। बेटा आपका नेट में मसला हो रहा होगा, किसी का नेट अपना चेक करें, आवाज सबको क्लियर आ रही है वैसे? हेलो मेरी आवाज क्लियर है? मंडे से जो टॉपिक है हमारा वो प्रीवियस वाले टॉपिक से इररिलेवेंट है, अनसर्टेनिटी बिल्कुल नया टॉपिक है। कैलकुलेटर वगैरह सब अपना साथ लेकर आएंगे और पेंडिंग वाला काम कंप्लीट करेंगे, किसी का भी अगर रह गया है तो, यूनिट्स के क्वेश्चन अगर रह गए तो उनको कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 1 बताएं इसका जल्दी से मुझे, देखते अब गलत नहीं बोलना यार प्लीज, और सब जवाब देंगे वरना मैं सबके अभी माइक और कैमराज ओपन करवा दूंगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा बात सुनो अब, शाबाश, इसी तरह से मुझे रिप्लाई सब करेंगे प्लीज। वेक्टर्स छोड़ दें, वेक्टर्स हम करेंगे भी डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं थोड़ा सा सेंस आपको बता दूं कि वो आपसे कह रहे हैं कि विच फॉर्मूला कुड बी करेक्ट फॉर द स्पीड ऑफ ओशन वेव इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, डेप्थ एंड वेवलेंथ। कौन सा
कौन सा फॉर्मूला जस्टिफाई कर रहा है स्पीड को भाई? स्पीड का मतलब है मीटर पर सेकंड। मैं मारूंगा बता रहा हूं ऐसे, तुम डायरेक्टली तुक्का नहीं लगाओ मुंतहा, ये तुक्के लगा रही हो तुम जबरदस्ती। स्पीड का मतलब है वी, और वी का मतलब है मेरा बेटा मीटर पर सेकंड। लेफ्ट साइड पर इक्वेशन है मीटर पर सेकंड। जूम कर दूं यार, मैं अगर जूम करूंगा तो वो आउट ऑफ। अनुषे कैसे किया ये बता जरा, शाबाश, बताना जरा कैसे किया ये। तुम्हें इन चारों इक्वेशन में यूनिट्स रखने होंगे बेटा। क्या कह रही हो, यूनिट ग्रेविटी फॉर एम? बात सुनो सुकून इत्मीनान से, ये डेंसिटी है, डेंसिटी का यूनिट है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर पर पर मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का यूनिट हो गया, वेवलेंथ का यूनिट मीटर, डेप्थ का यूनिट मीटर, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल का यूनिट के। सब जगह पर स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड वेरीफाई करना है। देखो राइट साइड पर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, मैथ्स में स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अब सबर तो कर लो, मुझे तो सॉल्व करने दो। जी की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम एस माइनस टू डिवाइडेड बाय, डेंसिटी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको आगे यूनिट को चलाने का फायदा ही नहीं है, सॉल्व करने का फायदा ही नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि इसमें किलोग्राम आ गया, किलोग्राम कैंसिल तो हो नहीं सकता, खत्म थोड़ी होगा किलोग्राम। जब किलोग्राम खत्म नहीं होगा और किलोग्राम मौजूद रहेगा तो वो मीटर पर सेकंड के इक्वल ही नहीं हो सकता, तो डी तो गलत है। सी में देखना, फिर यहां किलोग्राम आ गया और किलोग्राम किसी और यूनिट में मौजूद नहीं है, तो अगर मैं इसके बाकी यूनिट लिख भी दूं, मसला वही है कि किलोग्राम तो अभी भी रहा मौजूद, किलोग्राम तो कट नहीं सकता, किलोग्राम को कोई और दूसरा यूनिट कैंसिल नहीं कर रहा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, सेंस को समझें कि मैं क्या सेंस बता रहा हूं। किलोग्राम आ रहा है तो वो हट ही नहीं सकता। अब यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है देखो ये, और डिनोमिनेटर में डेप्थ का मतलब मीटर, तो यहां तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, एस माइनस टू बचा, माइनस टू का हाफ टू से टू कैंसिल, तो यहां तो एस की पावर माइनस वन बचेगी। मीटर पर सेकंड तो नहीं बच रहा लेफ्ट पे, तो मीटर पर सेकंड बचना चाहिए। यहां देखें जी और वेवलेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जी का मतलब एम एस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ का मतलब मीटर, ये हो गया इस तरह से, और पावर हाफ। अब मुझे बताओ ये पावर हाफ दोनों पर होगी तो एम स्क्वायर पर भी पावर हाफ हो गई, जी हाँ, और एस की माइनस टू पर भी पावर हाफ हो गई, तो बेटा ये मीटर बच गया और यहां पर माइनस वन बच गया, तो ये स्पीड का ही तो यूनिट है। किसको नहीं समझ में आया प्लीज देख लो, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया था। क्लियर है सबको?
आगे चलें, नेक्स्ट। सही है, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछना मुझे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चेंज करूंगा इसे। केजी मास को लिया है ना बेटा, डेंसिटी जहां जहां आ रही है, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ये है ना मास। डेंसिटी का यूनिट मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। इसलिए केजी आया, और केजी को कोई और यूनिट कैंसिल नहीं कर रहा, तो केजी वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। जहां जहां केजी आएगा वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब देखें, हाँ इधर आओ, इसमें ये करना है, ये करना है, ये बताना है, और ये करें जरा सॉल्व। सही है, फर्स्ट वाले में ये ठीक है, सेकंड वाले में ये ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना फिर। शाबाश। सेवेंथ वाले में बिल्कुल सही है फातिमा बेटा। सेवन का सी है, क्योंकि देखो मिली का मतलब 10^-3, माइनस थ्री का मतलब यहां तुम 1000 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 0.05। मुझे चाहिए 0.5। मेगा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका मतलब है 10^6। कैपिटल एम का मतलब याद रखना मेगा, कैपिटल एम का मतलब मेगा, 10^6। 500 मिली का मतलब 1000 से डिवाइड करूंगा मैं, तो आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 0.5। यही ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब है 10^6। सही है, तो सी इज द आंसर। अब एट में देखें, आपके पास अभी आगे काइनेमैटिक्स में एक टॉपिक आता है मोमेंटम, मैंने इसका फॉर्मूला तुम्हें बता दिया, मास इनटू वेलोसिटी। अब तुम्हें बताना है कि शाबाश, वेरी गुड अफीफा, वेरी गुड। मोमेंटम पी का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी, पी स्क्वायर वो कह रहा है, इसका मतलब है एम स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। अब उसने कहा पी स्क्वायर अपॉन एम, पी स्क्वायर अपॉन एम का मतलब एम स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, ये बन गया एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर का मतलब, एम का मतलब मास, क्वेश्चन में कहा था उसने एम का मतलब मास, और V का मतलब स्पीड का स्क्वायर। तो किलोग्राम एम स्क्वायर एस माइनस टू, याद रख लो तुमने ऊपर बताया था जूल्स, और जूल्स का मतलब एनर्जी, इसलिए ये एनर्जी के बराबर है। ए इज द आंसर, किलोग्राम एम स्क्वायर एस माइनस टू जूल्स या वर्क या एनर्जी के इक्वल होता है। समझ में आ रही है चीजें?
देखो अब अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो इसका मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता एएस में एंटर हो गए। अब आपको एएस की चीजें समझ में आना शुरू हो गई हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो खुद तो इसका मतलब अब तुम आहिस्ता आहिस्ता चल सकते हो एएस में। इसी को मेंटेन रखना, कोई चीज नहीं, छोटी सी भी छोटी चीज नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे पूछना है भाई। एनर्जी का यूनिट तो तुम्हें अब याद हो जाना चाहिए यार, एनर्जी और वर्क मैंने तुम्हें कहा था एक ही चीज है, और इसका मतलब होता है एफ इंटू डी। एफ इंटू डी का मतलब होता है मास एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। मास किलोग्राम है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मीटर तो ये बनता है। बाकी फोर्स का यूनिट है एम ए, देखो ये बनेगा किलोग्राम एम एस माइनस टू। मुझे तो ये चाहिए। पावर का मतलब है वर्क अपॉन टाइम, तो जब इस इक्वेशन में रखोगे इसको तो ये भी नहीं हो सकता। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये भी नहीं हो सकता। एनर्जी या वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी। तो इस तरह से अगर तुम्हें ये रटा हुआ भी नहीं हुआ, नहीं याद हुआ, तो एनर्जी या वर्क का फॉर्मूला ड्राइव कर लोगे, फॉर्मूले से ड्राइव कर लोगे इसका यूनिट, तो वो देखोगे यूनिट यहां पर इसके बराबर है। याद करना तो फीजेबल नहीं होगा, कितने याद करोगे, यहाँ ड्राइव ही करना पड़ेगा बेटा, याद कैसे होंगी इतनी सारी चीजें। किसको स्क्वायर क्यों किया भाई? पी स्क्वायर अपॉन एम, क्वेश्चन में इक्वेशन उसने दी थी पी स्क्वायर अपॉन एम की बेटा, इक्वेशन में था ना पी स्क्वायर अपॉन एम। तो मैंने इसलिए पी का यूनिट तुम्हें बताया, पी का फॉर्मूला तुम्हें बताया, मास इनटू वेलोसिटी याद हो जाएगा आगे चल, तो उसका स्क्वायर किया। मुझसे किसी ने कहा कि एनर्जी और वर्क को ड्राइव करें, भाई ये तो ओ लेवल्स में था कि वर्क की डेफिनेशन क्या थी। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, और एनर्जी जो थी वो एबिलिटी टू डू वर्क। डायमेंशन वाइज बेटा इसको डायमेंशंस कहते हैं कि वर्क का यूनिट भी जूल्स है और एनर्जी का यूनिट भी जूल्स है। तो इसकी डेरिवेशन कोई नहीं है, इसकी डेरिवेशन नहीं है इसकी, इसका थ्योरेटिकल यही कॉन्सेप्ट है। यस वेरी गुड। ये वर्क डन इज बेसिकली द टोटल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म, एंड एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है एक तरह से। वर्क डन और एनर्जी दोनों जूल्स में होते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये बताओ ये सारे तुम्हें आने चाहिए, करें सॉल्व सब। देखो टू के बाद यहाँ फोर लिखा है, थोड़ा होशियारी से चलो। टू के बाद फोर लिखा है,
आगे करते जाएं, मुझे आगे बताते जाएं सर। पीको का मतलब -12 और गीगा का मतलब +9। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। वो कह रहा है क्वांटिटी नहीं बताओ, सॉरी ओनली क्वांटिटी बताओ रादर देन यूनिट। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो ना, वो कह रहा है यूनिट नहीं बताओ। डेंसिटी इज मास पर यूनिट पर क्यूबिक मीटर, ये तो यूनिट हो गया ना, ये क्वांटिटी हो गई, मिक्स कैसे हो जाएगा? या तो मास अपॉन वॉल्यूम कहो या किलोग्राम पर मीटर क्यूब कहो। हाँ थोड़ा समझना, देखो मास जो है वो क्वांटिटी है मगर मीटर क्यूब तो यूनिट है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी, डेफिनेशन ही गलत है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एनर्जी अपॉन चार्ज होता है, तो यहां इसने एनर्जी क्वांटिटी बताई सही है, करंट क्वांटिटी बताया सही है, मगर फॉर्मूला ही गलत बताया है। वोल्टेज का तो फॉर्मूला एनर्जी अपॉन चार्ज होता है, एनर्जी अपॉन करंट थोड़ी होता है, इस वजह से ये गलत है। डी में देखें तो स्पीड इज द डिस्टेंस, क्वांटिटी है सही है, ये क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज द क्वांटिटी। ट्रेवल्ड पर सेकेंड, मगर पर सेकेंड तो यूनिट आ गया, उसने कहा था ओनली क्वांटिटीज रादर देन यूनिट्स, तो फोर्स भी क्वांटिटी है और एरिया भी क्वांटिटी है और प्रेशर का फॉर्मूला भी ठीक अप्लाई किया है, तो सी इज द आंसर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स भी क्वांटिटी है, एरिया भी क्वांटिटी है। अगर मैं लिख देता फोर्स पर मीटर स्क्वायर तो गलत हो जाता, क्योंकि एक क्वांटिटी हो जाती है, एक यूनिट हो जाता, इस तरह से। सही, नहीं समझ में आता तो मुझे बता दीजिएगा, दोबारा रिपीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। सिक्सटीन में सब मिक्स प्लेट बना रहे हैं भाई, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। वो आपसे कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ बीम इज डिफाइंड एज, खुद डेफिनेशन उसने बता दी कि क्या है इंटेंसिटी की डेफिनेशन, क्या है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या होगा अब?
अब सुनो जरा, मैं सॉल्व करता हूँ, टाइम दे दिया मैंने तुम्हें सॉल्व करने के लिए, अब मुझे करने दो, समझना जरा। उससे तुम्हें इंटेंसिटी की डेफिनेशन बताई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही लिखा है ना इस तरह से। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इसे एनर्जी अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, तो लिख सकता हूं मैं इसे कि एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टी, तो एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी पहले अभी तुम्हें बता दिया मैंने, ऊपर थोड़ी देर पहले बताया एनर्जी या वर्क का फॉर्मूला तुमने मुझे अभी लिख के बताया, किलोग्राम एम स्क्वायर एस माइनस टू। ये एनर्जी का यूनिट है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट है सेकंड। टाइम अपॉन में आ गया, तो बेटा इस तरह से आप ड्राइव करेंगे कि किलोग्राम आ गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, ये नीचे वन है, ये वन ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, और माइनस वन होने के बाद माइनस थ्री डी स्टांस। सेवेंटीन का बताएं आंसर, हंड्रेड मीटर रेस की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। अब देखो वो कह रहा है एस्टीमेट, तो इसमें क्या चीज एस्टीमेट करनी है, एस्टीमेट करना है हाफ एम स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम का स्क्वायर, हाफ एम 100 मीटर रेस डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये टाइम एस्टीमेट करना है, कोई भी एथलीट अगर 100 मीटर की रेस लगा रहा है तो अप्रोक्सीमेट 100 मीटर में अप्रोक्सीमेट टाइम कितना होना चाहिए ये बताओ। अच्छा रेस है, चल नहीं रहा, वो भाग रहा है, 100 मीटर कितने सेकंड में भागेगा, एक मिनट, तीन मिनट, फातिमा तीन मिनट, थ्री मिनट्स, 100 मीटर कितना होता है ये पता है तुम्हें, 100 मीटर होगा तकरीबन आपकी एक गली से दूसरी गली तक का डिस्टेंस, एक गली का पूरा डिस्टेंस, नॉर्मल जो स्ट्रीट होती है जिसमें 12, 15, 18 घर होंगे, वो एक स्ट्रीट की टोटल लेंथ 100 मीटर होगी तकरीबन। अब वो चल नहीं रहा स्ट्रीट पे, भाग रहा है फुल स्पीड में, एथलीट है, अगर फुल स्पीड में एक गली क्रॉस कर रहा है 100 मीटर की, तुम्हारा जो लकड़ी का स्केल है ना वो 1 मीटर है, 35 सेकेंड भी ज्यादा है, अराउंड 10 to 12 सेकेंड होगा आंसर। Around 10 to 12, 14, 15 seconds. अभी ओलंपिक्स हुए ना उसमें देखो ना, 100 मीटर रेस में एथलीट अगर भागते हैं तो 12 मिनट, 12.5 मिनट, 12 सेकेंड, 11 सेकेंड, 11 एंड हाफ सेकेंड, 13 सेकेंड इसमें। हाँ तो ये एस्टिमेट आपको याद रखनी होंगी, एस्टिमेट की लिस्ट मैंने दी थी ना उस दिन तुम्हें क्लास में,
याद करने वाली एस्टिमेट की लिस्ट, एक पेपर जिसमें एस्टिमेटेड वैल्यूज थी बहुत सारी, ग्रुप में दी थी मैंने, भेजी थी ना, वो याद करनी होंगी तुम्हें। हाँ वो अब बेटा अब ऐसे डिटेल में नहीं होगी हर चीज, ये तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। सॉल्व करो जरा इसका, कितना आंसर आ रहा है? 100 को 12 से डिवाइड करो, इसका स्क्वायर करो, फिर 80 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है? इसका तो आंसर बता दो मुझे पहले कबीर। हाँ 10 सेकंड्स भी ले सकते हैं। मैंने जो सॉल्व किया 100/12 कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास यार, 100/12 का स्क्वायर करो। हाँ सही है, अब देखो ये आ रहा है तुम्हारे पास 2700। अब जो 4 ऑप्शन उसने दिए हैं, 4 ऑप्शन में तुम्हारे पास आंसर आ रहा है, एक का 400 कह रहा है, 4000, 40,000, 400,000 जूल्स, तो 2700 अप्रोक्सीमेटली आपके पास बी इज द आंसर, बी क्लोज है। ओके जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं आगे चलूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, नाउ वी हैव CRO, जो तुम्हें याद रखने वाली चीज है जो यूज होगी वो क्या होंगी, देख लो, एक्स एक्सिस वी हैव टाइम बेस, फॉर एग्जांपल मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर, इसका मतलब है टाइम फॉर ईच बॉक्स, देन वी हैव वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट करेगा वाई गेन या वाई सेंसिटिविटी। ये होगा वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T, टी इज द टाइम पीरियड, और यहां पर टाइम हमेशा सेकेंड्स में होना चाहिए तो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में आएगी। टाइम हमेशा सेकेंड्स में होगा और फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्स में आएगी। पीक वोल्टेज इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और हाफ ऑफ द टोटल हाइट। रिमेंबर वन थिंग कि अगर मैं तुम्हें वेव इस तरह से ड्रॉ करके दूं
और मैं आपसे कहूं कि इसका पीक वोल्टेज क्या है, तो इस टोटल का हाफ करेंगे आप, और इस टोटल का हाफ यहां से यहां तक, ये कहलाएगा पीक वोल्टेज। या तुम इसको यहां से यहां तक भी कह सकते हो, ये कहलाएगा पीक वोल्टेज। टोटल हाइट नहीं होगी, ये मत समझना कोई अगर ये कह दे, समझ ले कि टोटल हाइट होगी, टोटल हाइट नहीं होगी बेटा, टोटल हाइट का हाफ होगा पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज इज द हाफ ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द वेव। जितनी भी वेव तुम्हारे पास ग्राफ पे प्लॉट होगी, उस ग्राफ की टोटल वर्टिकल हाइट का हाफ पीक वोल्टेज होगा। जैसे कि मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखता हूं, लेट्स से यहां पर मैंने आपसे कहा कि y gain is 10 volts per centimeter, and time base is 5 ms per centimeter, fine. Peak voltage and frequency. इसने तुम्हें वेव ड्रॉ करके दी इस तरह से। अब बताओ पीक वोल्टेज कितना है। वोल्टेज बताओ, एक वर्टिकल बॉक्स का मतलब 1 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर थोड़ी बताओ मुझे, वोल्टेज बताओ। शाबाश, मतलब आप कहेंगे इस वेव की टोटल हाइट देखेंगे। यहां देखो टोटल हाइट, ये टोटल हाइट, अगर वो तुमसे एम्पलीट्यूड कहे या पीक वोल्टेज कहे तो तुम इस टोटल हाइट का हाफ करोगे ना। ये टोटल हाइट 5 बॉक्सेस में हो रही है भाई। दाऊद कैसे सॉल्व किया है तुमने, टोटल हाइट कितनी है, 5 बॉक्सेस। वर्टिकल हाइट देखो 5 बॉक्सेस, ये 5 बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करोगे तुम, एक बॉक्स की वैल्यू 10 है तो 50 आया ना ये, और इस 50 को डिवाइड करेंगे, 50 वोल्ट टोटल हाइट है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 25 वोल्ट। पीक वोल्टेज यहां बताया तुम्हें, यहां तो बताया यार हाफ ऑफ द टोटल हाइट, और हाइट जो निकलेगी वो बॉक्सेस में निकलेगी, बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे वाई गेन से। ओ लेवल में किया था ना ये,
बिल्कुल इसी तरह से टाइम पीरियड पहले निकालो, यहां पर एक वेव है और इसके बाद करेस्पॉन्डिंग यहां तक आ रही है, तो आप कहेंगे ये जो है ये टाइम पीरियड है। हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस चेक करो तो ये तुम्हारे पास सिक्स बॉक्सेस हैं, मगर ये सिक्स बॉक्सेस का मतलब ये सिक्स सेंटीमीटर है हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली एक बॉक्स फाइव मिली सेकेंड का है। तो टाइम पीरियड के लिए आप करेंगे सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव एम एस, यह आंसर आएगा 30 ms। शाबाश मायदा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा वन अपॉन टी, तो वन अपॉन 30 मत लिख देना, गलत हो जाएगा ये एमसीक्यूज में। 30 वन अपॉन 30 का भी आंसर गिवन होगा, गलत हो जाएगा क्योंकि 30 के साथ मिली लिखा है और 10 टू द पावर माइनस 3 खत्म करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं हर एक चीज जो मैं बता रहा हूं उसको गौर से सुन लें। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वन अपॉन टी, मगर फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में आती है और हर्ट्स के लिए टाइम हमेशा सेकेंड में आना चाहिए। तो जब आप वन को डिवाइड करोगे 30 × 10⁻³ से तो आपके पास आंसर आएगा 33.3 Hz। क्लियर है सबको, ये पहले बता दें। फिर मैं एक और चीज पूछूंगा आपसे अभी जरा। देखो ये की पॉइंट है जो मैं आपसे कह रहा हूं, की पॉइंट क्या है सुनो। इफ वाई गेन इज इंक्रीज्ड keeping voltage constant, then wave compress vertically. एंड वाइस वर्सा, इफ टाइम बेस इज डिक्रीज्ड या इंक्रीज ही कह दो, इफ टाइम बेस इज इंक्रीज्ड keeping time period constant, then wave compress horizontally. And vice versa. अब इसका मतलब सुने, मुझे ये बताओ कि मेरे पास लेट से, अभी समझ में आएगा बेटा जरा गौर से देखना, सपोज करो
पहले तुम्हें इस ग्रिड पर मैंने एक ग्राफ तुम्हें प्लॉट करके दिया, लेट्स से मैंने आपसे कहा कि यहां पर वाई गेन है, अभी किसी को नहीं समझ में आता दोबारा सुनना, वाई गेन है 5 volts per centimeter टाइम बेस है 5 ms per centimeter ये तुम्हारे पास इक्वेशन है, सॉरी मतलब ग्राफ है। अब बताओ इसको देखकर पहले मुझे ये बताएं कि इसका पीक वोल्टेज कितना है। टाइम पीरियड कितना है बताएं जरा। आंसर बताओ भाई। पीक वोल्टेज 10 वोल्ट, वेरी गुड। टाइम पीरियड शाबाश। मैंने कहा यहां पर कि इसका पीक वोल्टेज होगा यहां से और यहां तक, टोटल वेव की हाइट का हाफ यहां तक, दो बॉक्सेस होते हैं, दो बॉक्सेस ऊपर दो बॉक्सेस नीचे, तो हाफ दो बॉक्सेस हुए, तो 5 multiply by 2 10 volt टाइम पीरियड होता है एक वेव का टाइम, तो वेव अगर यहां से स्टार्ट हो रही है तो इसका टाइम पीरियड यहां कंप्लीट हो रहा है, तो आप कहेंगे 4 boxes में और एक बॉक्स की हॉरिजॉन्टल वैल्यू है तुम्हारे पास 5 ms, तो 5 multiply by 4 आंसर 20 ms। क्लियर है ये सबको, यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बता दें मुझे क्योंकि अगला पार्ट फिर मैं इसी की बेस पे समझाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? अब सुने अगला पार्ट। ड्रॉ वेव having y gain 12 volt per centimeter and time base 2.5 ms per centimeter।
कीपिंग पीक वोल्टेज एंड टाइम पीरियड सेम. अब देखो वाई गेन उसने 10 वोल्ट कर दिया, अब ग्राफ में देखें क्या चेंज आएगा. अब मैं तुमसे कहूंगा कि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना बेटा, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट करता हूं, लेट्स से मैं कहीं से भी यहां से स्टार्ट करता हूं, तो टाइम पीरियड मुझे 20 मिली सेकेंड ही बताना है, मगर एक बॉक्स की वैल्यू अब 2.5 एमएस हो गई है. तो यहां से अगर 2.5 एमएस शुरू हो रही है, तो फिर पहले जो हाफ वेव तुम्हारी टू बॉक्सेस में बन रही थी, अब वो हाफ वेव फोर बॉक्सेस में बनेगी. और जो वेव आपकी दो बॉक्सेस ऊपर गई थी, अब एक बॉक्स ऊपर जाएगी. इसका मतलब ये होगी तुम्हारी वेव, ये देखो ये बनेगी वेव. अब इस वेव को देखकर बताओ कि अगर वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, गौर से देखना पॉइंट के, अगर वेव यहां से स्टार्ट हो रही है और ये यहां तक जा रही है, तो ये एक वेव कहला रही है. मैं तुमसे कहूँ इसका टाइम पीरियड, तो तुम कहोगे टाइम पीरियड ये 8 बॉक्सेस में वेव कंप्लीट हो रही है और एक बॉक्स की वैल्यू 2.5 है, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 20 ही तो होगा एमएस. और एक बॉक्स ऊपर गया है वर्टिकली, अगर मैं देखूं तो एक बॉक्स ऊपर गया और एक बॉक्स नीचे गया, और एक वर्टिकल बॉक्स की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो पीक वोल्टेज भी 10 वोल्ट, मतलब पीक वोल्टेज और टाइम बेस तो सेम रहेगा, फर्क समझे जरा. मगर वाई गेन तुमने कंपेयर करो जरा, वाई गेन तुमने 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर से 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर कर दिया, वाई गेन तुमने बढ़ा दिया, तो वेव वर्टिकली कंप्रेस हो गई, वेव वर्टिकली कंप्रेस हो गई. वाई गेन बढ़ाने से वेव वर्टिकली कंप्रेस हो गई. इसका मतलब मैंने ऊपर यही लिखा था कि वाई गेन इंक्रीज करोगे तो वेव वर्टिकली कंप्रेस होगी, और टाइम बेस इंक्रीज करोगे तो वेव वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होगी. यानी वाई गेन और टाइम बेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से इनवर्स है. कंप्रेस का मतलब करीब करीब आ जाना, कंप्रेस का मतलब करीब आ जाना, छोटा हो जाना. कंप्रेस और स्ट्रेच का मतलब देखो ना, खिंच गई या तो उसको दबा दिया तुमने. यहां पे देखो टाइम बेस 5 था, यहां पर टाइम बेस 2.5 हो गया, तो y 5 से 2.5 टाइम बेस तुमने कम किया, तो वेव हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो गई. यहां से यहां देखो ना, वेव हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो गई, खिंच गई. ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि एक बात मुझे बताएं कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि ये वेव है, ये वेव है एक्चुअल, अब मुझे बताओ कि वाई गेन और टाइम बेस में ए बी सी और डी, देखिए आपको खुद समझ में आएगा जो मैं कह रहा हूं. वाई गेन बढ़ा है, टाइम बेस बढ़ा है, वाई गेन बढ़ा है, टाइम बेस कम हुआ है, वाई गेन कम हुआ है, टाइम बेस बढ़ा है, या दोनों चीजें कम हुई. कि अगर वो आपसे कहे कि मेरे पास ये इनिशियल वेव है
और फाइनल वेव तुम्हारी इस तरह से हो गई। ये फाइनल है। अब बताएं ए बी सी डी में क्या आंसर हो। इनिशियल से फाइनल में लाने के लिए तुमने क्या चेंज किया होगा? वर्टिकल हाइट बेटा, देखो मैंने यहां दोबारा देखो फिर क्लियर तुम्हें समझाने के लिए बता दूं, मैंने वर्टिकल हाइट को इंक्रीज किया है। इसका मतलब है ये कहोगे ना तुम, वर्टिकली मैंने क्या किया है, स्ट्रेच किया है। वर्टिकली ऊपर उठाया है, हॉरिजॉन्टली भी तो स्ट्रेच किया है। वर्टिकली भी मैंने ऊपर किया है और हॉरिजॉन्टली भी मैंने, सॉरी कंप्रेस किया है, हॉरिजॉन्टली मैंने कंप्रेस किया है। पहले वेव यहां से, ये देखो ये पहले वेव यहां कंप्लीट हो रही थी, फॉर एग्जांपल यहां से यहां, अब वेव यहां से यहां एक वेव कंप्लीट हो रही है तो कंप्रेस कर दिया ना। वर्टिकली अगर मैंने स्ट्रेच किया ऊपर खींचा है तो y गेन को मैंने डिक्रीज किया है, और हॉरिजॉन्टली कंप्रेस किया है तो इसका मतलब मैंने टाइम बेस को इंक्रीज किया है। तो टाइम बेस इंक्रीज, y गेन डिक्रीज, c इज द आंसर। इस तरह से समझना होगा भाई ये, और ये पॉइंट आपके पास ओ लेवल्स में था, अगर किसी ने नहीं किया था तो आपने इसका मतलब ये ओ लेवल्स में मिस कर दिया है, तो किस्मत अच्छी है कि पास पेपर में नहीं आया, वरना ये ओ लेवल्स के पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। एक और एग्जांपल बताओ मुझे जल्दी से। अभी अभी सब मिल जाएंगे आपको बेटा, मैं दिखा दूंगा प्रीवियस, पहले ये मुझे बताएंगे लेट से। वी हैव अ क्वेश्चन, अब मैं तुमसे कहूं ये वेव है, लाइक दिस, और मैंने वेव को कर दिया इस तरह से, क्या किया आप? ये डायग्राम वन है, ये डायग्राम टू है। फ्रॉम फिगर वन टू फिगर टू वर्टिकल स्ट्रेच किया। अबे भाई क्या हो गया, सोच के जवाब दो ना फान यार। वर्टिकली क्या किया है, स्ट्रेच किया है, तो वाई गेन डिक्रीज होगा ना। हाँ वेरी गुड, दोनों मैंने स्ट्रेच किए हैं, हॉरिजॉन्टली भी मैंने खींचा है, वर्टिकली भी मैंने खींचा है ना बेटा, दूर दूर किया है ना, तो इसका मतलब है दोनों डिक्रीज होंगे। शाबाश गुड, वाई गेन डिक्रीज, और टाइम बेस वाई गेन डिक्रीज एंड टाइम बेस डिक्रीज ऑल्सो। जी हाँ वेरी गुड। व्हेन वी टॉक अबाउट पल्सेस, पल्सेस किसे कहते हैं?
देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक, दिस इज कॉल्ड पल्स। और जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए इसका मतलब है कि यहां पर आप कहेंगे नो पल्स, जैसे हार्ट बीट होती है। क्या कह रहे हो, क्या नहीं बनाया, दोबारा टाइप करो। ये पल्स है, नेगेटिव वैल्यू, पल्सेस में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती ना, पल्सेस में हार्ट बीट है तो वो नेगेटिव नहीं होती, पल्सेस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ये पल्सेस कह रहे हैं, इसलिए तो वेव से अलग चीज दिखा रहा हूं मैं, ये पल्स है। अब मैं कुछ पॉइंट्स तुम्हें बताऊंगा यहां पर, ये नोट करना, सुने जरा गौर से। ये पॉइंट लेट से ए है, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, नाउ इफ आई से ड्यूरेशन ऑफ अ पल्स, पहला एक पल्स की ड्यूरेशन क्या है, तो आप कहेंगे एक पल्स की ड्यूरेशन है हॉरिजॉन्टल टाइम बिटवीन ए टू सी, या हॉरिजॉन्टल टाइम बिटवीन डी टू ई, या हॉरिजॉन्टल टाइम बिटवीन, अभी सवाल नहीं करें मुझे, खामोशी से सुने, अभी जब पूरा पॉइंट बता दूंगा तो फिर सवाल कर, डी टू आई, ये पल्स है। अगर मैं तुमसे कहूं कि टाइम बताओ बिटवीन टू पल्सेस, तो फिर इसका मतलब है टाइम बिटवीन टू करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, मतलब अगर टाइम बिटवीन टू पल्सेस वो पूछ रहा है तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल टाइम बिटवीन ए टू डी, या फिर हॉरिजॉन्टल टाइम बिटवीन बी टू ई, या हॉरिजॉन्टल टाइम बिटवीन सी टू ई, सॉरी ये एफ है, दिस इज एफ। नाउ दोनों में डिफरेंस समझो, ड्यूरेशन ऑफ अ पल्स अलग बात है कि एक पल्स कितनी देर चल रही है, हार्ट बीट कितनी देर चल रही है। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें मुझे ये बताएं कि टोटल टाइम ऑफ पल्सेस, पल्सेस का टोटल टाइम, तो यहां पर मैं कहूंगा टाइम ए टू सी प्लस टाइम
डी टू एफ प्लस टाइम जी टू आई। दीज आर द थ्री पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स हैं बेटा जो हमेशा एएस में इग्नोर हो जाएंगे। हर कोई पल्सेस और वेव को एक जैसा ही समझता है, पल्सेस और वेव एक जैसा नहीं है भाई। पल्स का मतलब है डिस्टर्बेंस, कितनी देर रही है वो पल्स है। एक पल्स का टाइम ये हॉरिजॉन्टल टाइम होगा, दो पल्सेस के बिटवीन टाइम निकालना होगा तो फिर करिस्पोंडिंग पॉइंट तक जाएंगे, यहां से यहां तक या यहां से यहां तक या पॉइंट ए से तो पॉइंट डी तक, करिस्पोंडिंग पॉइंट तक का पल्सेस ये आएंगे। करिस्पोंडिंग पॉइंट का मतलब टाइम बिटवीन टू पल्सेस। फिर वो आपसे कहता है ड्यूरेशन ऑफ टोटल पल्सेस बताएं, यानी टोटल टाइम ऑफ पल्सेस बताओ। तो टोटल टाइम ऑफ पल्सेस में जितनी देर डिस्टरबेंस यहां है, जितनी देर यहां है, जितनी देर यहां है, इन तीनों टाइम को मैंने ऐड कर लिया। अब पूछे कोई बात, अब ये चीज मैंने पूरी डिटेल में तीन चीजें समझाई है, अब पूछे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? ड्यूरेशन ऑफ आ पल्स का मतलब एक पल्स का ड्यूरेशन, टाइम बिटवीन टू पल्सेस का मतलब करिस्पोंडिंग टाइम। अब उसमें डेड वाला रीजन भी आ जाएगा, नो पल्स वाला भी आ जाएगा और एक पल्स भी आ जाएगी। टाइम बिटवीन टू पल्सेस में दोनों चीजें आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लें क्योंकि अब ये खत्म हो जाएगा, सॉरी मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा, स्क्रीनशॉट लो। नंबर वन, टू, थ्री, फोर। नाउ लुक हियर भाई, ये जो आज स्टूडेंट एब्सेंट है इन्हें बता दिएगा कि मंडे से जो मेरी क्लास में नहीं होंगे प्रेजेंट, फिर वो फाइनल अपने आप को बाहर ही समझे। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, पल्सेस का जो क्वेश्चन है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा ये समझ में आए, फिर हम मंडे से नई चीज, बिल्कुल नई चीज स्टार्ट करेंगे। अगर कोई पल्स किसी ने कोई क्लास नहीं भी ली तो कोई मसला नहीं है, मंडे से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो ये चीज समझना जरा, दो क्वेश्चन में डिफरेंस तुम्हें बताऊंगा। देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा इग्नोर होंगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें बार बार, जल्दी से ये दो क्वेश्चन देख लो फिर क्लास खत्म करो। 6 ms/s सेंटीमीटर है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू पल्सेस, दो पल्सेस का टाइम पूछ रहा है भाई। तो टू पल्सेस के टाइम के लिए आप कहेंगे यहां से करिस्पोंडिंग पॉइंट यहां तक, यानी कि पीक से पीक तक, वो 4.5 सेंटीमीटर है और हर सेंटीमीटर 6 के बराबर है। 6 को मल्टीप्लाई कर दो 4.5 से, आंसर बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। ये वर्टिकल एम्पलीट्यूड की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, 4.5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 27, D is the answer. सही है, इसका आंसर तो D है क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा टाइम बिटवीन टू पल्सेस, सही है, फर्क समझना जरा, टाइम बिटवीन टू पल्सेस, तो मैंने कहा ये आंसर। अब ये देख, लुक एट दिस, हाउ डज ईच पल्स लास्ट, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। एक पल्स कितनी देर चल रही,
टाइम बेस है 1 माइक्रोसेकंड। अब इस पल्स को देख लो तो वो यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक जा रही, ये है एक पल्स का टाइम। चाहे वो यहां की देख के बता दो या यहां की देख के बता दो, बात तो एक आंसर 2 माइक्रोसेकंड। समझ में आई ये बात? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको? ये बताओ नंबर 5, अभी बता दिया मैंने तो मैं अब बता देता हूं। बेटा स्लाइड सारी गायब हो गई, उस वक्त कहा था मैंने आप स्क्रीनशॉट लें, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया हो तो उससे ले लेना। टाइम बेस 10 से 20 पर बढ़ा है, टाइम बेस इंक्रीज, टाइम बेस का मतलब तालो हॉरिजॉन्टल से, टाइम बेस इंक्रीज का मतलब वेव कंप्रेस हॉरिजॉन्टली। वाई सेंसिटिविटी अनऑल्टर्ड, यानी कि वाई एक्सेस में कोई चेंज नहीं आएगा, 4 बॉक्सेस हैं ये 4 बॉक्सेस ही रहेंगे, इसका मतलब है ए और डी तो वैसे ही कलर, और टाइम बेस 10 से 20 हुआ है, बढ़ा है तो वेव कंप्रेस होगी हॉरिजॉन्टली, इसलिए सी इज द आंसर। किसको नहीं समझ में आया, सी इज द आंसर, सबको क्लियर है सी इज द आंसर? एनी क्वेश्चन टिल हियर? हुनैन क्या कह रहे हो मेरे पास दोबारा? भाई वर्टिकल 4 बॉक्सेस है बेटा, वर्टिकल देखो तो वर्टिकल वेव में ये 4 बॉक्सेस हैं, वर्टिकल वेव चेंज नहीं होगी क्योंकि वाई सेंसिटिविटी कांस्टेंट है, वाई सेंसिटिविटी कांस्टेंट है तो वर्टिकल बॉक्सेस चेंज नहीं होंगे, सही है? बी और सी में चेंज आ सकता है, मगर उसने कहा टाइम बेस 10 से 20 पर चेंज हुआ है तो टाइम बेस इंक्रीज हुआ है, लिखवा चुका हूं थ्योरी में कि टाइम बेस इंक्रीज होगा तो वेव हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होगी, अगर वेव हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होगी तो फिर देख लो ऑप्शन सी आंसर है तुम्हारा। चले जी इसको यहां तक रखें, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं बेटा, और मंडे को कैलकुलेटर अपने साथ लेकर आएंगे, और मंडे से कोई क्लास स्टूडेंट एब्सेंट नहीं होगा भाई, जो मंडे को नहीं आएगा वो फिर घर में बैठे, क्योंकि मंडे को मैं इनिशियल बता दूंगा आपको अनसर्टेनिटी, वो चीज मिस कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मंडे को मिलते हैं बेटा इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।